तो आज के हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, और फॉर्मूले की कैटेगरी में हम लॉजिकल फॉर्मूला जिसमें हम इफ पे बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको इफ के कुछ एग्जांपल बताए थे, पर हमने बताया था सिंगल कंडीशन पे, अगर सिंगल कंडीशन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं जहां जहां ग्रेटर देन 50 है वहां 500 करना चाहता हूं, मैं मान लीजिए कि यहां पे इंसेंटिव देना चाहता हूं मैं, और जिस नंबर जिस सेल में ग्रेटर देन 50 नंबर्स हैं उसके सामने 500 मैं प्रिंट करना चाहता हूं, अदरवाइज जीरो करना चाहता हूं। तो ऐसी चीजों के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में इफ समझाया था कि इफ अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो यहाँ पे 500 अदरवाइज जीरो करें। ये चीज हमने लास्ट में समझाई थी आपको, याद होगा? हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसी में अगर मल्टीपल कंडीशन लग जाए, तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80, मतलब कि 50 और 80 के बीच में, 50 टू 80 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको मुझे 500 देना है, अदरवाइज जीरो देना है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक इफ के साथ एक कंडीशन लगा सकते हैं आप, सिंगल इफ सिंगल कंडीशन। तो हमने यहां पे दिया कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, राइट, और यहां ट्रू रिजल्ट में मैं एक और कंडीशन दे देता हूं, एक और इफ दे देता हूं कि इफ अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो 500 अदरवाइज जीरो कॉमा अदरवाइज जीरो। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, हमने दो इफ को एक ही सेल में लगाया है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, जब ये चलेगा सबसे पहले B2 को चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन 50 है, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो अगले इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज यहां जो जीरो दिया हुआ है क्योंकि ये जो इफ है इस इफ का ट्रू पार्ट आपका ये हो गया, सॉरी लॉजिकल टेस्ट ये हो गया, ट्रू पार्ट आपका ए हो गया और फॉल्स पार्ट आपका ए हो गया। तो अगर एक ग्रेटर देन 50 नहीं हुआ तो ए क्या करेगा, इस इफ को स्किप करके इसका फॉल्स पार्ट शो कर देगा। ओके ओके, अगर ग्रेटर देन 50 हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा क्योंकि इसकी ट्रू पार्ट में हमने एक और इफ डाल दिया है। दूसरा इफ चलेगा अगर एक लेस देन 80 है, मतलब कि अगर 50 दूसरा इफ तभी वर्क करेगा जब पहला इफ कंप्लीट होगा, मतलब कि ट्रू पार्ट होगा या सक्सेस होगा या कंडीशन मैच करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें रिजल्ट शो करना चाहिए, तो रिजल्ट यहाँ पे 500 शो करेगा, या ऐसा हो सकता है कि 50 से बड़ा है बट 80 से छोटा ना हो तो फिर ये जीरो शो कर देगा। ओके ओके, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आ जाएगा। हालांकि इसको अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है एंड का, एंड फॉर्मूला। अब एंड फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर वापस इसको डालेंगे और बोलेंगे क्या लेस देन इक्वल टू 80। तो एंड फॉर्मूला का नेचर क्या होता है, एंड फॉर्मूला का नेचर होता है कि ए जो है आपका, उसके अंदर मैं एक से ज्यादा कंडीशन डाल सकता हूं, मैंने एक से ज्यादा लॉजिक्स डाल सकता हूं, सारे लॉजिक्स अगर ट्रू हुए तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आए, और इस ट्रू फॉल्स को 500 और जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, इफ यहाँ पे 500 अदरवाइज जीरो, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। क्लियर है? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने आपको लास्ट फ्राइडे क्लास में बताया था कि इसको समझने के लिए इफ पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है सर? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, चलिए अगली कंडीशन में चलते।
अगली कंडर से मान लीजिए नेम है और यहां पे मेरे सब्जेक्ट्स है, और सब्जेक्ट्स हैं और हम यहां रिजल्ट देना चाहते हैं, ओके ठीक है। पर कंडीशन यह है कि हर सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने 30 से ऊपर अगर आपने आया हुआ है तो आपको पास है, अदरवाइज फेल है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से नीचे नंबर्स हैं तो फेल हो जाएगा, समझ गए? ठीक है। तो यहां पे कंडीशन देते हैं, मल्टीपल कंडीशन है तो यहां हम एंड से ही शुरुआत करते हैं, इसका कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं करता हूं मैं, पहले बाद में करूंगा। मैंने आज यह ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर सब्जेक्ट दूसरे को सिलेक्ट किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर हमने तीसरे को सिलेक्ट किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 33 या 30 कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम B2, E2, E3, B2, C2, D2 एंड E2 पे हमने कंबाइन दिया कि अगर सारे 33 से ऊपर है तो जाहिर सी बात है सारे कंडीशन मैच करेंगे तो एंड ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। इसमें सब में फॉल्स दिया क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है, इससे मान पहले को मैं कर देता हूं, मैं 81 कर देता हूं, 71 2 आ गया, कुछ कर देता हूं ट्रू, ठीक है। ठीक है, ट्रू को पास करना है अदरवाइज फेल करना है फॉल्स, तो इफ इसके लिए परफेक्ट है। यहां पे हमने कर दिया पास, फिर लिख दिया हमने यहां पे फेल, एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ ड्रैग। अब जैसे कि पास और फेल है, बट मैं चाहता हूं पास वाला तो पास रहे और फेल वाला में सबसे पहले किस सब्जेक्ट में फेल किया है उसका नाम दे, जैसे कि फेल है यहां पे सब्जेक्ट 4 फेल आना चाहिए। अब देखिए हम एंड का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे पास कंडीशंस काफी सारे हो पर रिजल्ट एक, समझे? ओके, वही पे एंड का यूज करेंगे, लेकिन हर कंडीशंस के लिए हमारे पास अलग अलग रिजल्ट है तो फिर एंड यहां पे यूज नहीं होगा। जैसे कि किस मुझे किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो शो करना है, तो मेरे पास फॉल्स के कई सारे स्टेप्स है। अगर सब्जेक्ट 1 में फेल हुआ, मतलब सब्जेक्ट 1 33 से नीचे है तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 फेल आ जाए, अगर सब्जेक्ट 2 33 से नीचे है तो सब्जेक्ट 2 फेल आ जाए, समझ गए ना? तो मेरे कई सारे रिजल्ट्स हैं अलग अलग कंडीशन के, तो यहाँ पे हमारा नेस्टेड इफ होगा। जैसे कि अभी पहली एग्जाम्पल में हमने आपको दो इफ को कंबाइन करना सिखाया ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अब आपको यहाँ पे दो से ज्यादा इफ कंबाइन कराएंगे। यहाँ पे दिया हमने इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर इक्वल टू 33, ठीक है। बी सब्जेक्ट 1 33 से बड़ा है तो मैं सब्जेक्ट 2 को चुनूंगा, समझे? ठीक है, क्या है ग्रेटर देन 33 है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट 2 भी 33 से बड़ा है तो सब्जेक्ट 3 को ढूंढेगा, सब्जेक्ट 4 जो है अगर वो भी 33 से बड़ा है, मतलब चारों सब्जेक्ट 33 से बड़ा है, इसका मतलब वो पास। इफ नहीं लगाना था साथ में E2 के साथ, सॉरी माफ कीजिएगा गलती से छूट गया, पास आ गया। अगर मान लीजिए कि अगर E2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 नहीं है, अब यहां देखिए पास होने के चांसेस 1 है पर फेल होने के चांसेस 4 है ना, ठीक है। तो अगर E2 ग्रेटर देन 33 है तो पास, अगर नहीं है 33 का मतलब कि वो सब्जेक्ट 4 में फेल है, समझे? ओके, मैं इसको क्लोज कर देता। अब यहां पे क्योंकि हमने चौथा इफ कंप्लीट कर लिया, अब तीसरा इफ की बात आता है,
तीसरा इफ का ए पार्ट हो गया लॉजिक, ए पार्ट हो गया है पहले ट्रू कंडीशंस, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए हमें कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा सब्जेक्ट थ्री फेल सिलेक्ट किया, कॉमा दिया सब्जेक्ट टू फेल और यहां पे सब्जेक्ट वन फेल। यहां पे देखिए सब चैन सिस्टम है, देखिए एक हमारा पहली इसका एक कंडीशंस है और ए हमारा ट्रू पार्ट हो गया और ये हमारा फॉल्स पार्ट हो गया, ठीक है सर? ठीक है। इस इफ का ए हमारा ट्रू पार्ट हो, ए हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया और ए हमारा ट्रू पार्ट हो गया, यहां दिख जाता है, यहां दिख रहा है ना, जैसे कर्सर में यहां रखूंगा तो पता चल जाएगा कि ट्रू पार्ट कौन है और फॉल्स पार्ट कौन, ठीक है ना? ठीक है। अब यहां नीचे तक जाएंगे, इसको एक और सिंपल तरीके से किया जा सकता था लेकिन वो भी थोड़ा सा अलग है, उसको छोड़िए फिलहाल, लाड़ इसी तो समझ लिया। ये इसके अंदर जो है, हाँ देखें, ये जो जब आप एक इफ लिखा, आपने एक लॉजिकल टेस्ट लिखा, ठीक है, उसी लॉजिकल टेस्ट के साथ अभी वो उसका हमने उसका ऑप्शनल जो पार्ट है वो नहीं लिखा, थ्योरिकल पार्ट थ्योरी की जो समझाना होता है। देखिए अगर हम पैरामीटर की बात करें तो इफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये आपका पहला इफ, राइट, ठीक है, ये आपका ट्रू पार्ट है, ये आपका फॉल्स पार्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें ये लॉजिक हो गया, ये इसका ट्रू पार्ट हो गया, ये फॉल्स पार्ट हो गया। अब दूसरे इफ में ट्रू पार्ट में मैं यहां पे एक और इफ दे देता हूं, इसका ये फॉल्स पार्ट हो गया, ये इसका ट्रू पार्ट हो गया जो कि आपका ए है, ठीक है आपको, ठीक है। इसी तरह से चैन बनता चला जाता है, इसको बोलते हैं इफ ट्री मैप। तो इसी तरह से यहां जो आपका है ये सेम चीज यहां है कि अब आपको कंफ्यूजन हो तो आप, अब मान लीजिए कि आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रही है, तो चलिए मैं आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूं ना, आपने इफ दिया इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है, तो यहां पे आप एक सिंपल से दे दीजिए सेकेंड कंडीशन, मतलब कि सेकेंड इफ एस एफ कर देता हूं और यहां पे देता हूं सब्जेक्ट वन फेल, ठीक है, ये समझ में आ गया ना सर? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब फिर वापस इसको एक्टिव कीजिए और एस एफ को डिलीट कीजिए, कर दिया। अब इसके ऊपर एक और कंडीशन दीजिए कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, यहां पे थर्ड इफ, यहां पे दे दीजिए थर्ड इफ THF, ठीक है, और यहां दे दीजिए फॉल्स पार्ट एस टू एंटर मारिए। यहां ब्रैकेट क्लोज करना था, ठीक है। अब बोलोगे सर मैं ऐसे नहीं घुसा पा रहा हूं तो आप क्या करेंगे, यहां देंगे हम ऐसे क्यों नहीं करते, ठीक है, अब आप लॉजिकल टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, इसी लॉजिकल टेस्ट की लॉजिकल टेस्ट भी लिख दिया और ट्रू भी लिख दिया, फॉल्स भी लिख दिया, आगे एक और इफ डाल के नहीं, पूरी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इफ के अंदर इफ जाएगा ना, एक देखिए एक सेल में एक ही फॉर्मूला रिजल्ट देगा ना। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ दो इफ लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए एक इफ लगा दिया, तो कौन सा इफ शो करेगा, कैसे पता चलेगा, समझ गए? हाँ जी, कौन सा पहले शो करना है, कौन सा बाद में शो करना है, हाउ कैन डिसाइड, कैसे डिसाइड करेगा, इसे इसको एक सीक्वेंस में देना पड़ेगा, एक सेल पे एक ही फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट करेगा, एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला, उसके अंदर तीसरा फॉर्मूला, जैसे हुआ ना कि एक बड़ा सा कंटेनर हो गया
उसके अंदर उससे छोटा कंटेनर, उससे उससे अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, उससे अंदर उसके छोटा। एक मिनट में समझा दो डायग्राम। जैसे एक पहले आपका बड़ा कंटेनर हो गया और इसके अंदर आपका दूसरा कंटेनर आएगा, दूसरा कंटेनर आ सकता है, इसके अंदर चौथा कंटेनर आ सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कंटेनर यहाँ हो और एक कंटेनर यहाँ, क्योंकि यहाँ इसके लिए फिर आपको दो सेल चाहिए, सेल वन और सेल टू। समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी। सेल है, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला वर्क करेगा, पर एक फॉर्मूला के अंदर आप कई सारे फॉर्मूला लिख सकते, लेकिन रिपोर्ट किसी एक फॉर्मूला करेगा। अगर दो फॉर्मूला लिखते हैं तो फिर ये एरर देगा, क्योंकि ये एक ही फॉर्मूले को रिपोर्ट करने के लिए बना हुआ, मतलब एक ही फॉर्मूले लायक जगह है इसमें। समझ गए? हाँ जी। तो दिक्कत है तो ये मेथड अपना सकते हैं ESF, और यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा यहाँ पे कि इफ अगर यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर यहाँ greater than equal to 33 है तो यहाँ पे थर्ड इफ, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट 3। देखिए बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है सर। उसके बाद अगेन इफ इसको सिलेक्ट किया हमने, तीसरे इफ को ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो यहां पे फोर्थ इफ अदरवाइज सब्जेक्ट 3। जब आप 4F लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है सर? मैं बताता हूँ, चौथा इफ लगेगा ये, मतलब कि अगर सक्सेस हुआ तो चौथा इफ जाएगा। देखिए ये आपका पहला इफ लगा, सक्सेस हुआ तो सेकेंड इफ चलेगा, ये सेकेंड इफ चला सक्सेस हुआ तो थर्ड इफ चलेगा, ये थर्ड इफ चला अगर ये सक्सेस हुआ तो फोर्थ इफ चलेगा। ठीक। अब यहाँ पे इक्वल टू 33 और यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, क्योंकि इसमें हमें आगे इफ नहीं चलाना है, तो पास और सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब जो है आपका जो सेकेंड इफ है इसकी रिजल्ट को कॉपी कीजिए और जहां SF लिखा है ना, हाँ जी, डिलीट कीजिए, उसके जगह पेस्ट करिए। अब इसको कर दिया पेस्ट, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको उठाइए, जहां पे आपका थर्ड इफ लिखा हुआ है ना, तीसरा इफ चल रहा है ना, ये हाँ जी। नाम कुछ और भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, तीसरे इफ को यहां पे इसको एंटर प्रेस कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, देन चौथे इफ को उठाइए, इसको कॉपी कीजिए और जहां यहां चौथा इफ लिखा हुआ है उसके जगह पे पेस्ट मार। हो गया सर? ये तो कर सकते हैं। हाँ जी, ये सिंपल है कि नहीं सर? हाँ जी। ऐसे चारों फॉर्मूला आप लगा दीजिए, कोई इनिशियल वर्ड दे दीजिए, आइडेंटिफाई करें, फिर चारों फॉर्मूला को एक एक करके रिप्लेस करते चले जाइए। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल आपको देते हैं। अगला एग्जांपल में एक चीज हम करेंगे, दूसरा चीज आपको करना है, ठीक है? ठीक है। कि मेरा आईडी प्रूफ का डेटा है, तो आईडी प्रूफ में चाहिए पैन नंबर, डीएल नंबर और चाहिए पासपोर्ट। अभी क्या है कि मुझे यहां स्टेटस शो करना है। अब हमारा स्टेटस शो करना है, इसमें क्या है, पैन किसी ने पैन दिया है, किसी ने पासपोर्ट दिया है, किसी ने डीएल दिया है, किसी ने वोटर आई कार्ड दिया है, किसी ने सिर्फ पासपोर्ट दिया है। समझे? ठीक है। क्योंकि मुझे एक मिनिमम एक चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। अब जरूरी कोई नहीं है कि किसी ने एक ही दिया हो, कोई दो ले सकता है, कोई तीन या कोई चारों के चारों दे सकते। तो यहां पे कंडीशन है कि इसमें से किसी एक ने भी हुआ ही हो तो यहां स्टेटस ओके आना चाहिए, अदरवाइज पेंडिंग। जैसे आपने यहां एंड लगाया है ना, तो एंड में क्या था कि सारे कंडीशन होनी चाहिए, तो यहां एंड नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, सारे के सारे कंडीशन वाई होने चाहिए। तो यहां एंड का अपोजिट होता है और बनाएंगे, और
अगर a इक्वल टू y है कॉमा और फिर दूसरे कंडीशन पर लगा इक्वल टू y, फिर तीसरा कंडीशन इक्वल टू y, फिर चौथा कंडीशन इक्वल टू y. सामने है. हाँ जी. अब इसको यहाँ इफ कंडीशन लगा दी. इफ अगर ए है तो यहाँ पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग. समझ गए? हाँ जी, समझ आ गया. ये समझ में आ गया ना सर? हाँ जी. अब आपको ए भी इसी के तर्क के करना है, जैसे हमने यहाँ किया है ना. तुमने यहाँ पे नेस्टेड इफ के थ्रू किया है और के अलावा एंड ना लगा के, ऐसे आप यहाँ पे और ना लगा के नेस्टेड इफ लगाइए. ये आपका आज का चैलेंज है.